झारखंड में एक तरफ सहायक शिक्षक पीजीटी अभ्यर्थियों का विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना वादा निभाने में हर हाल में लगे हुए हैं। चूंकि चुनाव का वक्त नजदीक है, लिहाजा दोनों तरफ से तैयारी भी पूरी है। लेकिन इन तैयारियों के बीच हकीकत यही है कि झारखंड में नौकरियों की बहार आ गई है। सारे नौजवान सड़क पर आए दिन नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता। और आज की जिम्मेवारी, इसकी भार सबसे अधिक राज्य सरकारों पर पड़ती है। यथासंभव हमने प्रयास किया कि इस राज्य के नौजवानों को अधिक से अधिक कितनी तरीके से राहत दी जा सके, उसकी प्रयास हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वरोजगार हो, अलग अलग माध्यमों से। हमसे अधिक लंबे समय तक तो इन लोगों ने इस राज्य में राज किया, और मैं इनको चुनौती देता हूं, इसी प्रभात तारा मैदान में आकर के हमसे डिबेट कर ले, इन लोगों ने इतने वर्षों में क्या किया और इस चुनौती भरे 5 साल में हमने क्या किया है, उनको हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने 3 महीने के भीतर सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश पहले ही आयोग को दे दिया है, लिहाजा JSSC अपनी तमाम परीक्षाओं का शेड्यूल लगातार जारी कर रहा है। अब मैट्रिक स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी इसी महीने आयोजित की जाएगी। 28 जुलाई को ये परीक्षा रांची के विभिन्न सेंटर पर आयोजित होने जा रही है। परीक्षा के लिए JSSC की तरफ से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। JSSC की तरफ से मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए JSSC की वेबसाइट पर लिंक भी उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही JSSC ने अपने नोटिस में ये भी कहा है कि इस डाउनलोड लिंक के अलावा एडमिट कार्ड डाक या फिर किसी भी माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। इससे पहले JSSC ने अपने नोटिस में 40% या उससे अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थियों, अंधापन, कम दृष्टि वाले, चलन निःशक्तता और सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को स्क्राइब की सुविधा का जिक्र किया है। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आते जा रहा है, राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्य के युवाओं को भरोसा है, और युवाओं के इसी भरोसे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबित तमाम नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द शुरू करने का आदेश आयोग को पहले ही दे चुके हैं, अधिकारियों को दे चुके हैं। CM हेमंत सोरेन की पहल का अब असर दिखने लगा है। नौकरी की बहार झारखंड में आ चुकी है।